अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार को। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे आपके सबसे चहेते, सबसे पॉपुलर, सबसे विटी। प्लीज वेलकम शाहरुख खान। और आपकी अदालत में शाहरुख खान पर आज इस मुकदमे के लिए जज हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर, इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें आज के जज दिवाकर की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने की। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं इल्जाम का सिलसिला शुरू करूं, सफाई मांगे शाहरुख खान से उनके कारनामों के लिए, एक नजर डालेंगे शाहरुख खान के फिल्म करियर। मुझे आज भी याद है 22 साल पहले जब आपकी दो तीन फिल्में रिलीज हुई थी, जब आप स्टूडियो में आए थे, उस वक्त भी आपने उतना ही जोश था, उतनी एनर्जी थी और वही विट था जो आज है। और मैं सर से बहुत डरता था। मैंने टीवी में देखा हुआ था सब पॉलिटिशियंस को ऐसे ऐसे कड़े सवाल पूछते थे, स्माइल नहीं करते थे बिल्कुल। मैं इतना डरा हुआ था क्योंकि बाकी फिल्म इंटरव्यूज वगैरह ठीक हैं, बट रजत साहब जब वहाँ पे, तो मेरे को लगा यार ये बहुत टेढ़े सवाल पूछेंगे, कुछ पॉलिटिक्स का पूछेंगे, मुझे समझने का बुद्धू लगूंगा मैं शो के अंदर। लेकिन मुझे बैक स्टेज जाकर मालूम पड़ा कि ये इतने प्यार से और अच्छाई से करते हैं, सो बहुत बहुत थैंक यू। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी वैसा ही कीजिएगा जज साहब, मैं चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपकी अदालत में पहला इल्जाम सुपरस्टार शाहरुख खान पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये बहुत शरारती हैं। अब आप दिल्ली बंद वाले बनकर आए हैं, तो दिल्ली वालों से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि स्कूल में इतने शरारती थे हर रोज पिटाई होती थी। मेरी तो अभी भी कई जगहों पर पिटाई हो जाती है। मैं इतना बदला नहीं हूं। हाँ, मैं स्कूल में बहुत नॉटी था, लेकिन मेरी टीचर ने मुझे बोला था कि मेरा ना डेविल स्माइल है, कि ऐसा शैतानी स्माइल है कि जब मैं स्माइल कर देता था तो उसके बाद मुझे माफ़ी ज़रूर मिल जाती थी। मुझे ये भी याद है मैंने स्कूल के अंदर, अभी मैं बता देता हूँ, हमने केमिस्ट्री लैब में कुछ चीज़ें फाड़ दी थी, फिर मैं जब मेरी टीचर मुझे पकड़ती थी तो मैं रो पड़ता था उनके सामने और मैं कहता था कि मेरे घर में मेरे माँ बाप मुझे बहुत बुरी तरह से पेश आते हैं और आप ही मेरी माँ जैसी हैं। तो मिस सचदेवा थी, देख रही होंगी प्रोग्राम, और मैं रोता हुआ जाता था और मुझे एक्टिंग में से आंसू निकालना आता है, तो मैं रोता हुआ जाता था। फिर वो मुझे कह रही, कोई बात नहीं बेटा, तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हारे मार्क्स गंदे आए हैं, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी माँ जैसे। फिर मैं घूमता था और मैं हंसता था और वो पीछे समझती थी मैं बहुत तेज तेज रो रहा हूँ, और मैं फिर अपने वो डेस्क खोल के सिर आगा के नीचे सो जाता था उसके अंदर, और कह रही तुम बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे मम्मी डैडी ऐसे हैं। तो मैंने अपने माँ बाप का नाम तो खराब कर दिया था वहाँ कि मेरे को मारना पड़े, मैं बहुत नॉटी था। दीवार पर बैठ जाते थे पैर लटका के, और जो लड़कियां गुजरती थी उनको फ्लाइंग किस देते थे। उसी का तो मैंने पूरा प्रोफेशन भी बना लिया, यही कहता रहता हूँ बस ऐसा करके मैं। तो हाँ, मैं कहता था। और एक बार थी, मेरे फादर थे, तो एक लेडी जो बेचारी मतलब लड़की मतलब अबाउट 16-17 साल की होंगी, मैं 5 साल का था, मैं स्कूल जाना शुरू नहीं हुआ था, तो वो घर आई और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि ये जो है आपका लड़का दीवार पे खड़ा होके सीटी बजाता है, ताली बजाता है और मुझे हाय स्वीट हार्ट या कुछ बोलता है ऐसा करके, हेलो स्वीट हार्ट। तो मेरे डैड ने कहा ये 5 साल का बच्चा है, इनको ये गलत है, जो हमारा नेबर है टेक्सन्स वाले जिनकी बहुत बड़ी किताबों की दुकान है, वो सुभाष होगा, बड़ा लड़का है उनका, जवान, वो बदतमीजी करता होगा। तो मेरे डैड बड़े आराम से बैठे कि बेटी बैठो, मेरे बेटे को देखो। तो वो समझे 5 साल का बच्चा आएगा तो कहेंगे अरे ये तो गलती होगी अंकल मुझसे। मैं भागता हुआ, जैसे ही मैंने उसको बोला हाय स्वीट हार्ट, ये सवाल मैं ये इल्जाम मैं अपने सर पे लेता हूँ और प्राइड से लेता हूँ, मेरे से गलती है। लेकिन 25 साल मुंबई में बिताने के बाद उतनी ही शरारती है? हाँ, लड़कियों को किस करके मैं मामले तो हूँ, मैं उतना ही शरारती हूँ। और कभी कभार अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो वो मुझे बोलते हैं कि पापा यू कांट बी लाइक दिस, अब आपकी उम्र हो गई है, आप बड़े हो चुके हो, आपको ऐसा नॉटी बिहेव नहीं करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ तुम्हारी उम्र हो गई होगी, तुम्हारे बाप की नहीं हुई है। तो मैं अभी भी वैसा ही हूँ, मैं अभी भी नॉटी हूँ, और क्योंकि मैं कुछ ज्यादा हार्मफुल नहीं है।
मैं किसी को तंग करने या बदतमीजी के हिसाब से नहीं करता हूँ, कभी कभार हो जाती है और कभी कभार गलती होती है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, बट मैं अभी भी उतना ही नॉटी हूँ। और अब उस वक्त भी खुमार था एक्टर बनने का, आपके दोस्तों ने बताया कि जब बाल कटाने जाते थे तो कहते थे अमिताभ बच्चन कट दे दो या धर्मेंद्र कट। हाँ, गोल मार्केट के अंदर मेरे को हमेशा स्कूल में मैं जाता था, कोलंबस बड़ा स्ट्रिक्ट स्कूल था, लंबे होते थे बाल, तो प्रिंसिपल वहीं से असेंबली से भेज देते थे। वो तो आयरिश ब्रदर्स थे सबके सब, तो बहुत डांटते थे, तो वो गोल मार्केट में जाते थे, सुबह सुबह होता था वो ऐसे ना उसकी आँख के अंदर, वो अभी उसकी नींद के वो निकले भी नहीं हुए, वो सुबह सुबह धर्मेंद्र हेयरकट कि अमिताभ बच्चन हेयरकट। तो हर हफ्ते जाता था मैं, तो एक बार धर्म जी का लेता था, एक बार अमित जी का हेयरकट लेता था, और हमेशा मेरे वहीं बाल करते थे और बहुत खराब बाल करते थे वो लोग, बहुत ही खराब बाल करते थे। तो एक्टिंग का भूत बचपन से था या जवान होते होते आया? नहीं, मैं एक्चुअली स्पोर्ट्समैन बनना चाह रहा था, मेरा बहुत दिल था कि मैं अपने देश को किसी तरह से रिप्रेजेंट करूँ, हॉकी के अंदर या क्रिकेट के अंदर, फुटबॉल के अंदर, मेरा बहुत शौक था कि मैं इंडियन टीम के लिए खेलूँ। तो मैं ज़िंदगी भर और मैं फील्ड हॉकी में अच्छा था, इन गेम से मुझे लगता था मैं उसमें अच्छा था, और मेरा बहुत था कि मैं इंडियन हॉकी टीम के अंदर प्लेयर बन जाऊँ। और फिर मुझे बहुत तेज चोट लग गई, तो मेरी पीठ में बहुत तकलीफ हो गई, तो मेरे को फिर हॉकी खेली नहीं जाती थी क्योंकि झुक के ऐसे, तो मुझे छोड़नी पड़ी सारी स्पोर्ट्स। और उस वक्त मेरे को कुछ और करने को नहीं था शाम को, तो मेरे फादर मदर ने कहा तुम प्ले चल रहा है लेडी श्रीराम कॉलेज में, उसमें 80 लड़कियां थी, 10 लड़कों का रोल था, तो उन्होंने कहा, इसलिए नहीं गया मैं क्योंकि वहां पे लड़कियां थी, क्योंकि और कुछ करने को नहीं था शाम को, तो मैं डायरी जॉन वहां पे टीच कर रहा था। तो मैं उस थिएटर में जाके, क्योंकि मैं बड़ा दुखी था कि मेरा स्पोर्टिंग करियर ख़त्म हो गया, तो मैंने शुरुआत की, तो फिर ऐसे करते करते टेलीविजन आ गया, फिर टीवी की जब शुरुआत हुई तो उसमें एक रोल मिल गया फौजी में, फिर ऐसे करते करते फिल्में मिल गई, और मैं जेन्युइनली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिल्मों का एक्टर बनूंगा। मैं जब मुंबई भी गया तो मेरे दोस्त थे यहाँ पे थिएटर के बैरी जॉन, और सब उन्होंने कहा कितने दिन के लिए, मैंने एक साल के लिए जा रहा हूँ यार, उसके बाद निकाल देंगे मुझसे, मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई है, थोड़ा सा दुख है, जाके आ जाऊँगा वहाँ से। अभी भी 25 साल हो गए, पूछते हैं कब आ रहा है तू, यार वापस नहीं आया तू अभी। तो आधे लोग मुझे वहाँ से भेजना चाहते हैं, आधे लोग मुझे यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि कब वापस आऊँगा मैं, बट मुझे ऐसा भूत नहीं था कि किसी टीचर ने समझाया था आपको कि मुंबई मत जाना, एक्टर बनने की कोशिश मत करना? मतलब मेरे को ना सिर्फ जितने भी लोग मिले थे, मैं नाम शायद ना लूँ उनका, हमारे दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम बहुत अगली हो और तुम्हारी शक्ल जो है बहुत ही अच्छी नहीं है, तो तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम सॉफ्ट नहीं हो। और फिर मैं एक डायरेक्टर से वहाँ पे मिला, तो उन्होंने मुझे पहली बात बोली थी, और मैं बता सकता हूँ, वो दोस्त है मंसूर खान साहब, तो उन्होंने मुझे बुलाया फिल्म के लिए, बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई थी क़यामत से क़यामत तक, तो मुझे जोश भी की मेरे साथ। तो पहले दिन जब मिले ना, तो उन्होंने कहा यार तुम बड़े इंटरेस्टिंग एक्टर हो, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टर, मैं जी तुम इतने अगली हो, मैं तुम्हें किसी भी रोल में डाल सकता हूँ। तो मैं यार बड़ा दुख हो गया, इसलिए मैंने विलन वगैरह के रोल कर लिए, मैं कहा जो मिल रहा है वो कर लो, लोग समझते मैं कुछ समझदार था, मैंने उसलिए चक्कर में कर लिए, बट काफ़ी लोगों ने मुझे बोला। लेकिन दिल्ली वाले ये भी बताते हैं कि माँ का बहुत भरोसा था, उन्होंने कहा अगर शाहरुख ने कहा है वो जाके कुछ करेगा मुंबई में तो ज़रूर कर पाएगा। वो तो हर माँ का होता है, मेरी माँ समझती थी, हाँ मेरी मतलब सिवाय मेरी माँ के कोई नहीं मानता था कि मैं एक्टर बनूंगा, और वो हमेशा बोलती थी ऐसा नहीं कि मैं हूँ वो, लेकिन मेरा जो लड़का है ना, और वो हैदराबादी में बात करती थी, इन्हों ना बिल्कुल दिलीप कुमार है, मैं कहती हूँ ये दिलीप कुमार बनेंगे बड़े होके, और बाकी जितने लोग थे वो कहते थे कोई कुमार नहीं बनेगा, कोई दिलीप नहीं बनेगा, इसको मत जाने दो, तो माँ के कहने से क्या होता है। लेकिन और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दुख ही ये है कि मेरी माँ ने ना मेरा टीवी का कोई शो देखा, ना मेरी कोई फिल्म कोई देखी, तो उससे पहले वो चल बसूँ। सो मेरी पहली बात ये ज़िंदगी की है कि मैं इतना बड़ा, लोग समझते हैं मैं एम्बिशियस हूँ और मैं जो है बड़ा हर चीज़ पाना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दिल में बात यह है मैं इतना बड़ा सितारा बन जाऊँ कि मेरी माँ जो है वो हेवन से मुझको देख सके, तो मेरी लाइफ का ड्रीम। दिल्ली वाले ये भी बताते हैं कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपकी ग्रूमिंग हुई, वहाँ बड़े बड़े एक्टर्स की गोद में बैठ के आपने सीखा। हाँ, मेरे फादर जो थे हम बहुत लोअर मिडिल क्लास लोग थे, तो वो एक छोटा सा वहाँ मेस था, कैंटीन चलाते थे, तो मेरी बहन मॉडर्न स्कूल में पढ़ती थी, वो 3:30 बजे ख़त्म होता था कोलंबस 1 बजे, तो मैं आके वहाँ कैंटीन में बैठता था। तो राज बब्बर साहब, अजीत वछानी जी, रोहिणी हतनगढ़ी जी, सुरेखा सीकरी जी, मनोहर सिंह जी, सब जितने भी अलकाजी साहब, जितने भी डॉयंस हैं, राजेश विवेक जी जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई, तो वो मुझे बहुत प्यार करते और मैं उनकी गोद में बैठा रहता था उन सब की। और सारे बड़े बड़े प्लेस मैंने पुराने किले में देखे जो इंडिया के आई थिंक सबसे अच्छे प्लेस थे, तुगलक, रजिया सुल्ताना, सूरज का सातवां घोड़ा, बहुत खूबसूरत। आई थिंक उन्हीं की गोदों में बैठ के मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैं एक्टर बन जाऊँगा। मेरी ट्रेनिंग नहीं हुई, बट मैं सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठा रहता था, और मुझे आज तक वो प्लेस के डायलॉग्स याद हैं, राज बब्बर साहब के, अजीत वछानी जी के,
یہ درست ہے کہ میں غلام ہوں مٹی سا سیاہ جسے قدموں کے نیچے رون دیا گیا ہو, لیکن ہمیں یہ ایک ہی رتبہ دیتا ہے. خدا کی نظر میں ہم ایک ہیں. خدا ہمیں خون اور رنگ سے نہیں عمل سے پرکھتا ہے. رضیہ سلطانہ ایسا سب مجھے سب یاد ہے. اور میں 8-9 سال کا تھا اور سارا دن بیٹھ کے میں نے ایکٹرس کو دیکھتا رہتا تھا. تو جینوئنلی کہیں نہ کہیں پر میں ایسا راج ببر صاحب کو ببر شیر انکل بولتا تھا. تو میرا ان کے ساتھ کوئی پولیٹیکل ایسا نہیں ہے, میری دوستی ان کی بچپن سے گود میں گھومتا تھا میں ان کی. اینڈ وہ ہمیشہ مجھے بولتے تھے کہ یار جب یوں تمہاری اپ برنگنگ ہوئی ہے نا, کہیں نہ کہیں وہ جذب آ گیا این ایس ڈی میں جو لوگ تھے. اور اتنے بڑے بڑے ایکٹرس ہیں, آپ لوگ کئی ینگ ہیں, بٹ یہ شاید ہمارے دیش کے سب سے گریٹسٹ ایکٹرس میں سے ہیں. فلموں میں شاید نہیں ہیں لیکن تھیٹر میں ہیں. تو مجھ کو وہ بہت ہی لکی چانس ملا. ان میں سے وہ کون تھا جس نے یہ شرارتیں کرنا سکھایا؟ یہ راج ببر صاحب. میں بتا سکتا ہوں, ابھی وہ مجھے بہت ڈانٹیں گے, میں بتاتا ہوں. تو ہم اس پلے میں سوری کسنگ سین تھا, وہ بڑا ریئل لائف پلیز ہوا کرتے تھے. تو آئی تھنک روہنی جی کے ساتھ ان کا کسنگ سین تھا. تو میں نے ایک دن ان سے کہا, انکل انکل آپ سچ میں کس کرتے ہو ان کو؟ تو کہتے بیٹا جا کے آنٹی سے پوچھ لو, وہ بتائیں گی تم کو. تو انہوں نے مجھے کافی, یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے مجھے بدماشی سکھائی, لیکن بہت پیار کیا مجھ کو راج ببر صاحب. اور آج بھی میں نے سنا کہ یہ شرارت من میں آتی ہے, کوئی بہت زیادہ بول رہا ہے, چاہے وہ ٹی وی پر ہی زیادہ بک بک کر رہا ہے, تو آپ سوچتے ہو اس کو جا کر چوٹی کاٹ لو؟ ایسا میں ایسا بولنا نہیں چاہتا, کیونکہ آج کل سوری آپ نہیں مگر ٹی وی پہ بہت سارے لوگ بہت سارا بولتے ہیں. مطلب چیٹی کاٹنے ہی نہیں, ایسا کان وان کاٹنے کو بھی دل کرتا ہوں گا کہ یار صبح صبح لگاؤ ایسا نیوز. اتنے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں. میں ابھی کہیں پروگرام میں بتا رہا تھا کہ یار اتنا آواز ہوتی ہے ایسا لگتا ہے ریپ میوزک چل رہا ہے. اور کون کیا بول رہا ہے, کیوں بول رہا ہے, کس لیے بول رہا ہے اور کس سے بول رہا ہے سمجھ نہیں آتا. تو میری آپ سے درخواست ہے, آپ اتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں, آپ لوگ کہیں نہ کہیں ضرور ملتے ہوں گے, ایک بار سب سے بولیں کہ یار ایک ایک کر کے بات کرو, ایک ایک کر کے سب ساتھ میں بولیں. تو تب جب وہ ہماری بات سننے کو تیار ہے, وہ بولنا بند کریں گے تو ہم کچھ کہیں گے. مطلب لوگ سوال ہی پوچھتے ہیں, جواب سنتے نہیں ہیں. سبھی بولے یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا. ایکچولی آج کل انٹرویو دینا بہت آسان ہے, چپ چاپ سے بیٹھے رہو, جو انٹرویو کر رہا ہے وہی بولتا رہے گا اور وہی گھر چلا جائے گا. لیکن آپ کی عدالت میں آپ کو ایسا موقع نہیں ملے گا. نہیں نہیں بالکل نہیں, بالکل صفائی دینی پڑے گی, بہت سارے الزام میرے پاس میں ہیں. شوق کیا کیا ہے آپ کے؟ یوگا کرتا ہوں, ہر روز 2 میل بھاگنے کے لیے جاتا ہوں, پھر اس کے بعد پاٹھ پوجا نماز پڑھنے کے بعد اس کے بعد میں اس میں بیٹھا ہوں, کیا کہتے ہیں وہ جو جہاں پہ اچھی اچھی باتیں ہوتی وہاں جا کے ستسنگ جاتا ہوں, باتیں سنتا ہوں. نہیں اب میرے کوئی شوق نہیں ہے, اب میرے شوق میرے 3 بچے ہیں, میں سچ بتا رہا ہوں. میرا کوئی اور شوق نہیں ہے مجھے نہ کچھ کرنے. پہلے مجھے بہت شوق تھا, کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا, فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا, لیکن اب میرے سارے شوق جو ہیں وہ 3 بچوں میں گھس گئے. تو میں اپنے سارے, اگر مجھے کھلونے سے کھیلنے کا شوق ہے تو اب رام کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, مجھے لڑکیوں کی چیزیں دیکھنے کا یا ان کے پروگرام دیکھنے کا شوق ہے, یا میک اپ کا شوق ہے تو بیٹی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں, تفریح اور بدماشی کرنے کا جب شوق آ رہا ہے تو بیٹے کے ساتھ گھومنا شروع کر دیتا ہوں. تو میرے کوئی بھی شوق نہیں ہے, فلم بنانا اور بچوں کے ساتھ ٹائم بتانا. میرا آپ سے یہ کوئسچن ہے کہ جب آپ نے فین بنانے کا ڈیسائیڈ کیا تو کیا آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ کی فین ایک لڑکی ہونی چاہیے, کیونکہ آئی تھنک آپ کے گریٹسٹ فینس جو ہے وہ لڑکیاں ہی ہیں؟ ہاں بات تو صحیح ہے. نہیں مگر اس میں ایک چھوٹی سی پرابلم تھی کہ جو ہم نے فلم سوچی تھی اس میں فلم ستارہ میں تھا اور وہی اس کا فین بھی ہونا چاہیے. تو میں نے کوشش کی لڑکیوں کا, میں نے اسکرٹ وغیرہ پہنا, میں نے وگ بھی لگایا, مگر میں اتنا بےہودہ اور خراب لگا کہ میں چڑیل لگنے لگ گیا. تو اس لیے میں نے بالکل, میں کیسا میں لڑکی بھی بن جاؤں تو بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن اگلی فلم کے اندر اگر چانس ایسا ہوا اس کا, اگر یہ فلم چلی تو اس کا پارٹ 2 کے اندر 100% فین. میرا بھی یہی میلان ماننا کہ فین تو لڑکے ہی ہونی چاہیے, کیا بیکار کا لڑکا گھوم رہا ہے وہاں پہ آر این کرنا کر کے. سو نیکسٹ فلم کے اندر اور ہر فلم کے اندر لڑکی ہی فین ہوگی. ایکچولی سب بولتے ہیں یہ بات, لیکن کچھ فین ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ کے گھر میں گھساتے ہیں رات میں. بہت سارے ایسے فین ہیں. ایک میں آپ کو بتاؤں گا کہ سر جیسا آپ مانیں گے نہیں, میں شوق ہو گیا تھا ان سے. وہ ہم کچھ ہمارا انٹرویو تھا یا برتھ ڈے تھا تو کافی سارے جرنلسٹ آئے تھے, سب بیٹھے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھ وہ کہیں سمڑی میں گھس گئے, ممبئی میں سمڑی بولتے ہیں, ایسے چپ چاپ سے گھس گئے. اور پھر انہوں نے کپڑے اتارے, مر تھے کپڑے اتارے, اور پھر ہمارے سوئمنگ پول میں ڈبکی لگائی, نہائے پورا ایک لینتھ کیا انہوں نے, پھر واپس گئے, تولیا بھی لے کر آئے تھے, سب صاف واف کیا, کپڑے پہنے. تو تب سیکیورٹی نے ان کو روک لیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ, کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں.
कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं नहाने आया था उस पानी के अंदर जिसमें शाहरुख खान नहाता है। मैं नहा लिया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा उनको भी मजाकिया लगा, लेकिन सीरियसली पकड़ा हुआ भी था सिक्योरिटी ने। फिर ऐसा फोन आया ऊपर कि सर वो हैं, तो मैं कहा मिलने आता हूँ यार, तू बड़ा अजीब सा फैन है। कहने मिलना मिलना नहीं है मुझे, ज्यादा ज्यादा फ्री मत हो मेरे साथ। सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम।